के मौजूद हैं। अब हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। मुझे नहीं मालूम था कि इस टॉपिक को इतनी तवज्जो से लोग जो है वो समाप्त करेंगे। वेबसाइट के यूट्यूब के ऊपर कल का ही हमारा जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है उसे सुना, तो इसमें दिलचस्पी भी काफ़ी है। और एक बात आप सोचते होंगे कि मुख्तार नईमी तुमने इस टॉपिक को क्यों शुरू किया। वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामत में से एक अलामत यह है कि मौलवी खुतबा जो है ये दज्जाल का जिक्र करना छोड़ देंगे। तो मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको यकीन रहे कि अभी क़यामत बहुत दूर है, जल्दी नहीं है। तो इस टॉपिक जानना भी इसके बारे में जरूरी है क्योंकि हर नबी अपने अपने दौर के अंदर दज्जाल के बारे में बतलाता रहा है। हमारे साथ रहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज बढ़ाते रहिए। सुनिए, दज्जाल से जिसकी मुलाकात हुई तमीमदारी की, उसने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वापस आकर स्टोरी बतलाई उसमें तीसरा सवाल ये था, और आज ये तीसरा हिस्सा है कि वो जो दैर के अंदर बैठा हुआ था आदमी, भारी भरकम जिस्म वाला, घुंघरियाले बाल छोटे उसके, कहने लगा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो जंजीर में जकड़े आदमी ने कहा क्या चश्मे में पानी है और लोग इस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? तो हमने कहा इसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले इससे खेतों की आबयारी करते हैं। जुगर जो है ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी का नाम है। उनकी दो बेटियां थी और दोनों बेटियों को जो दफनाया गया वो चश्मे के पास दफनाया गया, फाउंटेन के पास। ये जुगर जो आपकी बेटी को जो दफनाया गया तो वहां ऐन जुगर जो है वो मशहूर हो गया। ये जुगर जो है ये जगह भी डेड सी के मशरक में है। ये जो जुगर है ना जिसके बारे में वो पूछ रहा था दज्जाल, ये डेड सी के मशरक में है और ये जगह भी अब इसराइल में इस मुल्क के अंदर जो है वो आती है। ये है उसकी आखिरी अलामत जो उसने पूछी थी क्योंकि अभी तक इसमें पानी है और खेतों को अबयार किया जाता है। चौथा सवाल दज्जाल ये करता है मुझे नबीउल उम्मीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया है? ये वो पूछना चाह रहा है कि उन्होंने क्या किया है। हमने कहा वो मक्का से निकलकर मदीना में आ गए हैं। उसने पूछा क्या अरबों ने जंग की है? हमने कहा हां। बोला अब कैसी हालत है? कहा इर्द गिर्द के अरब जो थे वो मगलूब हो चुके और उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए हैं, उन्होंने उनकी अताहत कबूल कर ली है। तो वो बोला उनके लिए यही बेहतर है कि वो अताहत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं, तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम कौन हो, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं, मैं दज्जाल हूं, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाजत मिल जाएगी। ये पूरी हदीस जो है ये बहुत सारी चीजें हमें बतलाती है, मुस्लिम शरीफ में है और किताबुल फितन के अंदर। इस तवील हदीस के बाद बहुत सी मालूमात हासिल हुई हमें। एक ये कि दज्जाल जो है वो मर्द है, बहुत अरसा से है वो और जमीन के ऊपर है। इस हदीस को पढ़ने के बाद दज्जाल की रहायशगाह का भी कुछ इल्म होता है, कुछ कि वो कहां रहता है। अब आगे हम पढ़ते हैं और तहकीक करते हैं कि वो इस वक्त कहां है दज्जाल। दज्जाल इस वक्त कहां है, लोग क्यों नहीं तलाश कर पाए जबकि सैटेलाइट के जरिए जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है। इस वक्त जितने लोग मेरी तकरीर सुन रहे हैं आप अभी गूगल पे जाएं, अगर आप पे नहीं करते तो जरा देर की तस्वीर मिलेगी, पहली बहुत पुरानी, और अगर आप पे करते हो तो गूगल अर्थ आपको बता देगा आपका घर कहां है। हमारे दोस्त यहां बैठकर अपनी गली अपना मोहल्ला देख लेते हैं, तो अगर गूगल अर्थ एक आम आदमी जो है वो अपना गली मोहल्ला देख रहा है, जैसे आप कराची में रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, तो आप अपना एड्रेस डालिए, वो आपको दो साल पुरानी तस्वीर दे देगा अगर आप पैसे नहीं देते। अगर पैसे देते हो तो गूगल अर्थ जो है वो आपको करंट जो है वो पिक्चर देगा। तो जब ये टेक्नोलॉजी आपके पास है, एक आम आदमी के पास है, तो ये याद रखिएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी
आम आदमी के पास कम अज कम 10-15 साल के बाद आती है। ये जो कैमरे तुम आओ यूज कर रहे हो अपने सेल के अंदर, ये कैमरे 20 साल पहले इंटेलिजेंस यूज कर चुकी है, इतने छोटे छोटे कैमरे जो है। तो जो टेक्नोलॉजी आवाम यूज करती है वो अमेरिका में तो 10-15 के बाद आ जाती है, बाहर दूसरे मुल्कों में पता नहीं कितने सालों के बाद पहुंचती है। खैर, तो अगर आप देख पा रहे हो अमेरिका में बैठकर अपने हैदराबाद को, अपने कराची को, तो बताइए जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और उन्होंने आपको नहीं दी, वो क्या क्या नहीं देख सकते। उन्होंने तो पूरी जमीन को यूं छान मारा और हमारे पाकिस्तान की गली का चप्पा चप्पा उन्होंने माप दिया है। ये शायद मालूम ना हो कि लोग जानते होंगे, तो हर चीज जो है वो मालूम है। तो ये दजाल क्यों नहीं मिल रहा? तो मैं रिसर्च करने लगा कि जब इतने पावरफुल लोग उसके इंतजार में हैं, अपना निजात दहिंदा उसे करार देते हैं, तो वो क्यों नहीं मिल रहा। तो मैंने पूछा, रिसर्च की कि वो कहां रहता है, तो किसी ने कहा कि चिड़िया के घोंसले में रहता है। तो फौरन से हंसी छूट गई कि भाई चिड़िया के घोंसले में इतना बड़ा कहां से बंदा रहेगा भाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, चिड़िया के घोंसले से मुराद कुछ और है। अच्छा, एक साहब कुछ कहने लगे कि वो लकड़ी के ताबूत में रहता है, एक साहब कहने लगे वो पहाड़ के गार में रहता है। ये तहकीक है सबकी। कभी कहते हैं कि जमीन के करीब कोई सैयारा है, उस सैयारे के अंदर दजाल रहता है। कभी कहते हैं कि यह खला के अंदर रहता है। और यह तजाद बयानियां बतला रही हैं, यह तजाद बतला रहा है कि किसी को कंफर्म मालूम नहीं है कि वो कहां है। अब दुनिया के सच्चे तरीन इंसान से पूछते हैं कि वो कहां है। क्यों? दुनिया का सच्चा तरीन इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास सारी खबरें हैं, वो हमें बतलाएंगे कि यह दज्जाल कहां रहता है। इसलिए कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो उससे आती है कि जो अल्लाह ताला है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है और जो जिसने इसको भी बनाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें बतलाएंगे। तमीमदारी का वाकया सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मिंबर पर मारा, अपना डंडा जो है वो मिंबर पर मारा और फरमाया ये है तैबा, ये है तैबा, तैबा मदीना शरीफ, ये है तैबा, ये है तैबा। फिर फरमाया तुमको यही बताया करता था और जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है, बुहैराए रूम बनता है, शाम का समुंदर सीरिया का जो है वो बुहैराए रूम बनता, ना वो शाम के समंदर में है ना यमन के समंदर में है। यमन को कौन सा लगता है? वो बहरे अरब लगता है, ना वहां है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। हुजूर ने दो मरतबा कहा। और जब किसी चीज की तईद करनी हो, ताकीद करनी हो, तो आप उसको बार बार बोलते, तो हुजूर ने कहा वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ जो है वो इशारा किया, मशरिक की तरफ जो है वो इशारा किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा कर दिया। हम अब तलाश करेंगे कि जजीरतुल अरब में बैठकर अगर मशरिक बने तो वो कौन सी जगह बनेगी। तो जजीरतुल अरब में बैठकर जब मशरिक की तरफ इशारा किया जाता है तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगहें मशरिक की साइड पे आती हैं, जिन्हें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी, ईसाई भी ये कहते हैं कि वो शैतानी समुंदर है, डेवल्स सी, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा। ये तीन नाम दिए जाते हैं। अगर आप जजीरतुल अरब में बैठे हैं, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया मशरक की तरफ जिस जगह से, तो वहां आप बैठकर जब मशरक की तरफ देखेंगे तो ये दो, आपको वहां दो जगह ऐसी नजर आती हैं, उनमें से ये डेवल्स सी भी है। अब ये डेवल्स सी, इस पे जब हम गौर करते हैं तो हैरानी ये होती है कि मुस्लिम मुल्क तो वहां कोई है नहीं, तो ये शैतानी समुंदर का आलमी नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये तो मुसलमानों की है, दूसरे लोग उसको ये क्यों करार दे रहे? तो जब हम उस पर गौर करने लगते हैं तो आप गौर करें कि यही डेड सी, ये तो को आगे चलती चलती ये आकर बिल्कुल अमेरिका के करीब पहुंच जाती। अब हम जब इस पर रिसर्च करने लगे तो हमें जो सबसे जो चीज नजर आती है वो हमें बरमूदा ट्रायंगल नजर आता है। गुफ्तगू अभी जारी है, इजाजत दीजिए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।